करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक और निर्भया कांड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जानकर इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। निजी स्कूल की तर्ज पर शिक्षा विभाग की नई पहल। सरकारी स्कूलों में भी छात्रों को मिलेगी होमवर्क डायरी। 6 लाख की रिश्वत देने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। कारोबारी से मारपीट के बाद मांगे थे पैसे। देखते हैं आप पूरे विस्तार से। जर्जर 11 साल की बच्ची का शव झाड़ियों में मिला था। मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पुलिस सच्चाई तक पहुंचने के लिए अभी तक कई वर्तों का खुलना बाकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची से निर्भय जैसी दर्द की गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर्स ने कहा कि बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। शिमला प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर ही छात्र अपना होमवर्क डायरी में नोट करेंगे। किस विषय का क्या होमवर्क छात्र को मिला है या स्कूल में स्कूल प्रबंधन की बैठक या कोई अन्य आवश्यक जानकारी जो अभिभावकों तक पहुंचनी चाहिए वो सब स्टूडेंट डायरी के माध्यम से ही किया जाएगा। सोलन 3 पुलिस कर्मचारियों पर एक स्क्रैप कारोबारी से करीब 6 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। हिमाचल पुलिस को दागदार करने का यह मामला औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से जुड़ा है। आरोपी बद्दी पुलिस के 3 कर्मचारी पर लगे हैं। लिहाजा 3 कर्मचारियों को SP ने लाइन पर हाजिर कर दिया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।